संगत कहीं जाऊं मैं पार, जिए संशय कछ फिर दीवार। मैं जा सकता हूं पर आने में संके है। जामा तुम सब लायक पठही के मसब ही करनायक। हे राजकुमार अंगद, मुझे पता है आप सब कारगर के आसन पे हो, क्योंकि आप बाली के पुत्र हो, लेकिन मैं तुमको भेजूंगा नहीं। कहीं बीच पति सुन हनुमान का चुप साध रहे बलवान। हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप धारण किया।
और उसके मुख में से गुस्से और क्रांत से निकल के बाहर आ गए। लंकिनी ने कहा, पुन संहार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सदंका, जब रावण आई ब्रह्मवर उसी समय मैंने भी तपस्या की थी, तो ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुए, तो मैंने वरदान मांगा कि मेरा उद्धार और मेरी आत्माओं का विनाश कैसे होगा, कब होगा। तो ब्रह्मदेव ने मुझे बताया कि तुम्हारा उद्धार और इन आत्माओं का विनाश उस समय समझ लेना जिस समय तुम्हारे मुंह पर एक मानव की मुस्लिका का प्रहार हो और तुम्हारे मुंह से रक्त की धार बहने लग जाए। तो आज मुझे यह प्रतीत होता है कि राक्षसों का विनाश और मेरा उद्धार हो ही चुका है। माता तो यहाँ भी नहीं दिख रही दे रही है और कहीं दिखता हुआ भवन एक ये प्रभु का मंदिर यहाँ पर राम नाम लिखा हुआ है, तुलसी का विवाह है। चरण कर निवासा यहाँ कहा सज्जन कर वासा। समझ नहीं आता है, अरे श्रीलंका में तो राक्षसों का वास है, यहाँ राक्षसों के बीच में मन करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जा। प्रभु ने विप्र रूप जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ये क्या श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी श्रीलंका लगनी में सब में ही प्रभु का राम लेने वाला था, लेकिन आज हमारी नगरी में प्रभु का नाम ले रहा है, देखना चाहिए कौन है। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हो और आज लंका नगरी में किस प्रकार आए हो, कहां से आए हो, आप कौन हो ब्राह्मण? मैं तो यहां भ्रमण करता हुआ आ गया हूं, परंतु मैं ये नहीं समझ पाया कि लंका में आप प्रभु का उच्चारण कर रहे हैं, लंका में रहकर के प्रभु का नाम जपते हैं। गीत तुम्हारे दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होए। हे दाता, मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूँ, मैं इस नगरी में रहता हूँ और भगवान का नाम स्मरण करता रहता हूँ। पंत भगवान, आप कौन हो? मुझे लगता है कि आप कोई देवों के भेजे हुए दूत हो, जो कि आप यहाँ पर आए हो, या भगवान के कोई भक्त हो, आप कौन हो? मुझे दर्शन दो प्रभु। हनुमान हूँ। हनुमान जी हो, जय हो प्रभु, जय हो। और यहाँ माता का पता लगाने के लिए आया हूँ।
मंडोदरी, तुम्हें अपने रूप पर बड़ा ही अभिमान है ना। आज हम तुम्हें ऐसी सुंदरी से मिलाएंगे जिसे देख करके तुम भी ये कहोगे कि हाँ सुंदरी है। सबसे प्रथम स्थान सुंदरी का किसको दिया गया है? यदि माता पार्वती की ओर देखें तो माता पार्वती में एक दोष है, वो आदि स्त्री है और आदि पुरुष है। सुंदर तो है परंतु दोष है। और यदि उधर देखा जाए सुंदरता का स्थान सरस्वती को दिया जाए तो सरस्वती में भी एक दोष है, वो पाचाल है, बोलती बहुत अधिक है। और यदि सुंदरता का स्थान रति को दिया जाए तो रति में भी एक दोष है, वो विधवा है। तो इसलिए जो सुंदरता का परम स्नेह दिया गया है वो सीता के लिए दिया गया है। सीता परम सुंदरी है। चलो आज तुम्हें हम सीता से मिलाते हैं। ते ही अवसर रहा रावण अशोक वाटिका पहुंचा, जहां माता जानकी विराजमान थी। सीते प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, महाक के पास पतंगा आ ही जाता है। उसका प्रणाम नहीं होता है वह वही जगह की राख हो जाता है। सीते मुझे जलाकर तुम्हें कब आराम आएगा? जब इस लंका में प्यारा राम आएगा। वो राम सात समंदर पार किस तरह से आएगा? वो सागर से करने वाला वह ईश्वरी लाएगा। वो बन बन भटकते होंगे। नहीं, तेरी मौत का सामान इकट्ठा करते हो। अरे कोई खा गया पशु पक्षी उनको। नहीं, किसी में शक्ति जो कष्ट पहुँचाए उनको। सीते तो भूल है परंतु तुझ में खुशबू नहीं। रावण तू विद्वान है परंतु तुझ में विद्वान दादी वो नहीं। सुन सीते चंद्रमुखे चपल नैन चित तो एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी मझधार में मेरी नौका है, इसे पार लगा दे ऐसी से कर कृपा दृष्टि किंचित मुक्ता दे ऐसी से। सीते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मेरी ओर अनुराग से देख लो, बस मेरे लिए यही अधिक है। तेरी पापी बात की क्यों करता बकवास, धनुष की बात को कर ले मन में याद। मास दिवस महु कहा न माना तो गए मारन काड कृपाना। हमारे सामने कोई योद्धा नहीं है, इस त्रिभुवन में हम ही एक अद्वितीय वीर है। बाकी सभी देवता यक्ष गंधर्व नाग नरकंदर सब हमारे चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। इसे समझाओ ये ऐसा प्रस्ताव क्यों ठुकरा रही है? ये तुम्हारा कार्य है। ठीक है, भवन गयो दस कंदर जारी चातु धान सेना सभार। मैंने आज रात्रि को एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में क्या देखा था? क्या देखा था? मैंने देखा था हमारे इस सौदे की लंका में एक बानर आया हुआ है और बानर ने हमारी इस सौदे की लंका को जला डाला है। और मैंने देखा था जो हमारे महाराज है हर आरुण नगर दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज भीषा। हमारे महाराज है रावण, उनको खग खग किसको कहते बताना? गधे को। खग के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा है। और सुनो सुनाओ की जो बीस भुजाएं वह भी कट चुकी हैं, जो उनके दस सिर हैं वो भी कट चुके हैं और उन सबका मुंडन कर दिया गया, बाल भी नहीं है उनके ऊपर। दक्षिण दिस जाई लंका मनहु विभीषण पाई। भाई सत्य चार दिन गए दिन चार भला लगना एक दो दिन में ये मेरा सपना सत्य हो जाएगा। चलो जाओ अंदर यहां से। ठीक है चलो चलो चलो।
सीता जी मन में सोच करने लगी, एक महीना बीत जाने पर राक्षस रावण मुझे मार देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, माँ तू बेपत सगनी में तोरी, तजो देह कर वेग उपाय, तो सह रहो अब नहीं सही जा। यह मैं क्या देख रही हूँ, यह तो मेरे प्राणनाथ की मुद्रा है। उनको अजर अमर है, भला उनको परास्त करने वाला वह कौन हो सकता है। पिता आप जो भी हो, आप मेरे सामने क्यों नहीं आते, आप कौन हो? ओ राम कहानी सुना दे, इस अंगूठी को लेकर के मैं ही आया हूँ, और प्रभु ने जो महारानी है उन्होंने आपको देने के लिए कहा। नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भरी संगत जैसे। सीताजी कहने लगी, नर और वानर का क्या? हे माता, जब आपका हरण हो गया तो आपको खोजते खोजते प्रभु पंपापुर के समीप में आए, जहाँ हमारे महाराज सुग्रीव रहते थे, उनसे मित्र और बताओ मेरे प्राणनाथ, मेरे देवर लक्ष्मण, दृढ़ प्रीति प्रतीत करो जी में, तुमसे दुख दूना सहा करते हैं। तन रखते पास तुम्हारे सदा, मन रखते पास तुम्हारे सदा, तब से वहां राम रहा करते हैं। कई बार सुना हमने मुख से, सीता हा सीता कहा करते हैं। जन नहीं कुछ धैर्य धरो मन, कुछ काल में निश्चय आएंगे स्वामी, संग बानर सेना लगा करके यही लंका में युद्ध रह जाएंगे स्वामी, करके रजनीचर नाथ सभी तस तीस का तीस उड़ाएंगे स्वामी, दुख दैन्य समस्त मिटा करके अति ही तुमको अपनाएंगे, और कोई फल नहीं है सब वाटिका में, मैं इनको खाऊंगा। आपकी आज्ञा हो जाए तो सदस्य ग्रही विपिन रखवारी बच्चे खड़े रहो, बैठ जाए। हनुमान जी आपको थोड़ा सा प्रसाद बांटेंगे, जिसके जिसके पास आ जाए वो रख ले। कृपया आप सभी से निवेदन है, व्यवस्था भंग ना करें। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए।